कम दर पर राशन मुहैया कराने की योजना में किस तरीके से धांधली हो रही है, इसकी बानगी लॉर्मी में भाटा गांव में देखने को मिली है, जहां के करीब 61 परिवारों को 3 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार की माने तो राशन वितरण की सूची में नाम कट जाने का हवाला देकर वापस लौटा दिया जाता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए राशन दिलाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर लॉर्मी एसडीएम ने फूड इंस्पेक्टर को जांच की बात कहते हुए जल्द ही निराकरण करने की बात कही है। राशन कट गए कथे मतलब ऊपर से कट गए राशन, हाँ चावल नहीं मिला तुम्हारे कहते हैं। मन भाटा पंचायत ले आए हैं चावल समस्या के नाम से, चावल नहीं मिल रहा है, 3 महीना हो गया है। कुछ दिन पूर्व इनके गांव के कुछ लोग मेरे से मिले थे और उन्होंने इस समस्या के बारे में मेरे को बताया था, और 60-61 ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड से नाम कट गया है। हाँ, इसमें कुछ ग्रामीण आए हुए थे तो इसमें संबंधित फूड इंस्पेक्टर को मैंने लगा दिया और अभी एंट्री चालू है। खबर कवर्धा से।